सो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो गया हूँ और हम जा रहे हैं, पहले पर्ची कटाएंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, देन उसके बाद वापस चढ़ने के लिए चलेंगे। चलो। सो गाइस अभी रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है बिकॉज पर्ची लेने के लिए यही करना पड़ेगा आपको, अगर टाइम से आना है तो यही करना है, दौड़ना है, यही लास्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास 10 बजे तक का टाइम है। लास्ट लाइन है, चलो चलो लास्ट, यहाँ से अभी पर्ची लिख लेंगे एंड फिर यहाँ से बैक टू होटल। तो रात में कुछ ऐसा दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने यात्रा पर्ची ले ली है, आपको यहाँ आने के बाद ये चीज़ लेनी है और ये 6 घंटे तक वैलिड रहती है आपकी। और अब होटल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे, देन उसके बाद अपनी यात्रा चालू करेंगे हम। इस नाइट व्यू, आपको आना है होटल दुर्गा के जस्ट सामने, एक टूरिस्ट करके लिखा है, टूरिस्ट करके लिखा है, और यहाँ पे आपको आना है अपनी पर्ची कटाने। हमारी रिक्शा सविंदर जा रहे हैं। सो गाइस लुक ऑफ द डे, और फुल मचाएंगे और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है और चढ़ेंगे, पूरी रात चढ़ेंगे और मॉर्निंग में उतरना भी हमें, बिकॉज हमारे पास 2 ही दिन है जो जिसमें हम इंजॉय करना है हमें और घूमना है। इसको देखो फुल मचाएंगे, चले चलते हैं। सो गाइस यहाँ से हम निकले हैं अपने होटल से और जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने, बस जयकारा लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, ठीक है। ये वेलकम टू जम्मू कश्मीर, वो काफ़ी ठंडी है। सो गाइस वापस वहीं आ गए हम जहाँ से टिकट अपना लिया था, यानी आईडी कार्ड लिया था, उसके सीधा सामने ही है टिकट के काउंटर के सामने से एक रोड गया है, बस यहीं से हम लोग को अंदर जाना है और हमारा रास्ता यहीं से होगा और हम चल के जाएंगे यहाँ से। सो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर देखने के लिए मिल रहा है, रास्ते पे ऐसे आपको स्टूडियोज़ जगह जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो तस्वीरें आप इतना खिंचवा सकते हो माता जी के साथों में। तो आके यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है तो आप खिंचवाओ, और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होंगे तो अच्छा है। और हम जैसे जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर, वैसे वैसे हमारा जो सांस है फूल रही है और कुछ नहीं। बीच रास्ते में ये हमें माता की चुनरी यहाँ पे बहुत सारी लगाई है, जिन्होंने मन्नत अपनी अपनी मांगी है सब यहाँ पे शायद बांध के गए हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है चुनरियाँ यहाँ पे। और जाना है हमें वो जो तारे जैसा दिख रहा है वो, उस जगह हमें जाना है माता जी के पास, बस यही है सीधा सीधा रास्ता। और चलते रहो और माता का जयकारा लगाते जाओ। सो गाइस अगर आप चल के आ सकते हो तो मैं तो बोलूँगा तुम चल के आओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे, रिक्शे में तुम्हें कुछ देखने के लिए मिलेगा है नहीं, तो चल के आओ तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अगर व्यूज़ मेरी तरह अगर देखना चाहते हो ट्रैवलिंग, मतलब मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी देखने का व्यू तो ऑसम है यार किसम से। चल के आओ और व्यू का आनंद लो और मज़े करो। और एक और चीज़ गई, यहाँ पे काफ़ी लैंड स्लाइडिंग होती है बारिश के टाइम पे, तो और यहाँ पे एक टर्निंग है, सब देख रहे हो टर्निंग है, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये लगाया गया है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो ज़्यादा, अगर हो भी तो डायरेक्ट नीचे खाई है तो खाई में ना जाए, कोई भी बच जाए उसकी जान। ओके प्रचोदयात ओम। सो एंट्रेंस पे आ गए हम, एंट्री करवा ली और यहीं से ऊपर जाना है हमें, चढ़ना है
नया रास्ता है यहाँ से। और सबसे वर्स्ट चीज़ अभी एक चीज़ हुई है कि हम कैमरा लेके आ रहे थे और हमको एंट्रेंस पे ही बोला कि कैमरा यहाँ जमा होगा और उसके चार्जेस हमारे से 150 रुपये लिए हम लोगों ने, चार्जेस हमसे कटे और और उसने फर्स्ट मेरा फ़ोन रखा अपने पास जो एंट्रेंस पे जो जवान है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ पहले अपना कैमरा सबमिट करके आओ, देन उसके बाद रसीद दो, उसके बाद तुम्हें ये फ़ोन मिलेगा, तब जाके तुम व्लॉग कर सकते हो। और पीछे मेरी माता जी हैं, विराजमान है, काफ़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत दर्शन हो रहा है यहाँ से, जगह जगह पे माता जी का है, दर्शन करने के लिए मंदिर बनाए गए हैं, तो कोई नहीं होता है। और नेक्स्ट टाइम आप याद रखना, कैमरा इट्स नॉट अलाउड, फ़ोन आप लेके जा सकते हो, फ़ोन से ब्लॉगिंग करो, कैमरा कुछ भी सब चलेगा, बट तुम कैमरा नहीं लेके जा सकते। यहाँ माता रानी का भजन बजते हुए रास्ते में और हम जा रहे हैं, यहाँ पे शेड्स भी हैं और बारिश वरिश हुई या स्नोफॉल हुआ तो उसका टेंशन नहीं है। अब आओ, यहाँ पे शेड है, आपको टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का, अब बिंदास आओ। और यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। आपको पालकी करनी है, यहाँ पे पालकी की भी सेवा उपलब्ध है, खच्चर की सेवा उपलब्ध है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। एक और चीज़ गाइस, मैं तुम्हें एक एक चीज़ का अपडेट देते रहूँगा, रास्ते में क्या है क्या नहीं मिल रहा है, तो कंटिन्यू देखो आप और इंजॉय करो। और यहाँ पे हर जगह पे माता जी का भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, सॉन्ग्स चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें भी यहाँ आके। सो बाल गंगा, यहाँ से जैसे आप आओगे वैसे तुम्हें एक एंट्रेंस मिलेगा जहाँ पे आपको बाणगंगा देखने के लिए मिलेगा, और कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, आपको मैं दिखाता हूँ, यही है बाणगंगा, काफ़ी सूख गई है, यहाँ पे अभी पानी नहीं है रहा। वहाँ से हम आए थे और यहाँ है बाणगंगा, तो यही है बाणगंगा, चलते हैं थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं बाणगंगा माता की। ले लिया माता का आशीर्वाद और चलेंगे अब आगे। यहाँ की एक मान्यता मुझे पता चली है कि हाँ, जो देख रहे हो आप यहाँ पे पत्थरों के टीले बना के गए हैं काफ़ी श्रद्धालु भक्त, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने पत्थर आपने रखा है, ये जो टीले रखे हैं, इतने इंच के आपके घर बने, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के लोग कि ऐसे काफ़ी श्रद्धालु भक्त रखे गए, बहुत सारे ऐसे टीले हैं। सो गाइस, ये मैंने 3 फ्लोर की अपनी घर बना दिया है, तो श्रद्धा है, जिसको बनाना है बना सकता है, नहीं तो मत बनाए, लेकिन हमें श्रद्धा है, हमने बनाया। जय माता जी, माता का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं, बोलते जयकारा सेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, और वैष्णो माता का दर्शन करने यहाँ से फिर से अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं। चीज़ यहाँ पे लिखी है, बाणगंगा में साबुन तेल और कपड़े धोना वर्जित है, और यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो, तो बाणगंगा का ही पानी है जो आपने को देखने के लिए मिल रहा है। अंधेरा है इसके वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा है, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा दिखेगा। बाणगंगा प्राचीन मंदिर पहला दर्शन, इससे बाणगंगा भी कहते हैं, यहाँ स्नान अवश्य करें। मेरा है, यहाँ से हम निकलेंगे अब यात्रा फिर से शुरू करेंगे। विराजमान है बाणगंगा शिव मंदिर,
यहाँ फोटो शूट हो रहा है। सो गाइस चढ़ते चढ़ते अब मैं ले रहा हूँ एक स्टिंग और इसके पीक को पी के थोड़ा चढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, नींद नहीं आएगी मुझे और चढ़ने में मेरे को हेल्प मिलेगी, इसकी वजह से मैं पी रहा हूँ। ये जगह जगह पे तुम्हें ये बाथिंग घाट मिलेगा माता जी के दरबार पे जाने के लिए और काफ़ी ऊपर तक हमें और चढ़ना है तो चलते हैं। वैसे चलते चलते ये मंदिर हमें देखने के लिए मिल रहा है, सामने हनुमान जी विराजमान है और आज उनका दिन है शनिवार। मंदिर बंदे इच्छा पूर्ति भवानी दर्शन और यहाँ से और आगे जाना है। एक चीज़ और, यहाँ पे जगह जगह पे आपको रिलैक्सिंग मशीन मिलेगी, अब यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, बॉडी मसाज ले सकते हो, हर एक दुकान छोड़ के आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे मुझे व्लॉग कर रहा हूँ मैं तो भी साइड से यहाँ से कचरे जा रहे हैं जिसकी वजह से बच के मुझे व्लॉगिंग करना पड़ रहा है बिकॉज कभी वो सामने से आते हैं कभी पीछे से आते हैं तो ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है धीरे धीरे, बट कोई नहीं, हमारे साथ एक और पार्टनर है से आए, खुश लग रहा है काफ़ी। सो गाइस थोड़े से दूर आने के बाद यहाँ से एक सीढ़ी से जाने का रास्ता है और यहाँ से नॉर्मल चढ़ने का जाने का रास्ता है तो डिसाइड करते हैं, हम यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, यहाँ से ही जाऊँगा, प्रेफर करूँगा तो चलते हैं इसी रूट से चलेंगे बिकॉज ये चढ़ने में आपको डिफिकल्ट होगा, आने के लिए ठीक है बट चढ़ने के लिए ये बेटर ऑप्शन है। वैसे हमारे आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स आगे जा चुके हैं, बस मुझे व्लॉगिंग करनी है तुम्हारे लिए, हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तो थोड़ा रुक रुक के भी मैं जा रहा हूँ। रिलैक्सिंग मशीन यहाँ पे भी है और इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहता, 30 रुपये रहता है। सो गाइस यहाँ पे साउंड्स लगे हुए जगह जगह पे, आपको सुनाई दे रहा होगा भजन सॉन्ग्स चलते आते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि आपको सॉन्ग यहाँ प्ले करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा है। सो गाइस ये है रात का सफ़र हमारा, 2 बज गए और हम चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आया अभी तक, बस चढ़ते जाओ, आने आगे जाने के बाद जो सुकून मिलने वाला है वो पता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, चढ़ते जाओ। 2 बज गए, 11:30 से स्टार्ट किया था और अभी 2 बज गए फाइनली, तो काफ़ी स्ट्रगल हो रही है रात के टाइम, अच्छा डिसीज़न है बिकॉज रात के टाइम हम चढ़ जाएंगे, मॉर्निंग में उतरने के बाद हमारे पास पूरा दिन है जिसके हम शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, जो भी प्रसाद लेना है हम ले सकते हैं, दैट्स वाई हम नाइट में चढ़ रहे हैं। ये नज़ारा देखो तुम, और ये नज़ारा देखने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। दुकान दिखी थी नेस्कैफे की बट वो अभी क्लोज है, यहाँ के प्राइसिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप ले सकते हो बट नाइट का टाइम इसके लिए शायद खुली नहीं है, मॉर्निंग में आओगे खुली रहेगी, आप नेस्कैफे इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। इस वक्त मुझे यहाँ एक कॉफ़ी डे भी शॉप मिली है, यहाँ पे भी कॉफ़ी डे है सामने शायद है एंड देन अभी वापस आधे दूरी चढ़े और चढ़ना है। सो गाइस यहाँ पे प्राइस है कॉफ़ी डे की, ज़ूम कर देता हूँ, डे के सामने से आपको जाना है अर्धकुंवारी तो यहाँ से सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, अगर तुम प्लेन रास्ते से गए तो तुम्हें इनके दर्शन नहीं होंगे, तो यहाँ से हम अब सीढ़ियाँ लेंगे और माता के दर्शन करेंगे, तो चलते हैं सीढ़ियों से, अब बारी आई है सीढ़ियों की। और इस जगह से अब यहाँ से हम जा रहे हैं, पानी पीने की सुविधा है यहाँ पे, हर जगह पे सुविधा मिलेगी, सीढ़ियों से जाना है अब अद्वारी।
अगर तुमने सीढ़ियाँ नहीं ली तो तुम्हें अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं होंगे। तो काफ़ी सिंपल रास्ता चलने के बाद अब सीढ़ियों का रास्ता आया है और काफ़ी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये भी अच्छा है। दर्शन करें, काफ़ी दूर आने के बाद यहाँ पे तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। एक है बाईपास पॉइंट, बाईपास कटरा जाने का रास्ता, और वे टू अर्धकुंवारी। तो हमें ये रास्ता लेना है, ठीक है, ये रास्ता हमें शॉर्टकट पड़ेगा और ये घोड़ों के लिए रास्ता रहता है, तो हम इस रास्ते से जाएंगे अर्धकुंवारी। पीछे मेरे हवन हवन है, तो चलेंगे, बढ़ते रहो आगे। और यहाँ पे वेटिंग रूम भी है, यहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हो अगर थक गए हो आप। और आगे आगे दिखाओ आगे। सो गाइस, पीछे है अर्धकुंवारी और वहाँ से हम शूट करेंगे आगे का रास्ता और मिलते हैं ऊपर। सो गाइस, ऊपर आने के बाद भी यहाँ पे हमें हम जूते चप्पल तो पहन के जा नहीं सकते भवन में, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे हम लोगों ने अपना कैमरा वहाँ पे रखा, वैसे यहाँ पे हमें फ्री में लॉकर मिलता है और इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे हम लॉकर में हमारे बैग्स शूज ये सब रख के अर्धकुंवारी के दर्शन लेंगे, देन भवन जाएंगे माता रानी के दर्शन लेने। तो अर्धकुंवारी के यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिख रहा है हमें। माता का भजन बज रहा है और यहाँ पे सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आए हैं और ऊपर काफ़ी ठंडी है। भगवती भवन के सामने ही हम रुके हुए हैं और डिस्प्ले पे दिख रहा है कि कैसे श्रद्धालु भक्त अपने टिकट कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ले चुके हैं, पर्ची हमारी फट चुकी है, आईडी कार्ड्स भी बन चुके, प्रवेश द्वार सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और सब यहाँ पे देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बस मॉर्निंग में माता रानी का दरबार खुलेगा, इसके वजह से सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे, तो हम चढ़ना स्टार्ट किया था हमने कुछ 12-12:30 के आसपास चढ़ना स्टार्ट किया था और हमारी यहाँ तक की जर्नी हो रही 3 बजे तक की रही जर्नी, तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी हमारी। ये हमारी पर्ची है जिसके ऊपर हमारा नंबर है 537 और यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे अभी ग्रुप नंबर 500 तक चल रहा है, तो आपको पहले यहाँ से पर्ची कटवानी है, आपको अर्धकुंवारी का दर्शन लेना है तो यहाँ से पर्ची कटा के आपको वेट करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे नंबर आएगा, देन आप अंदर जा सकते हो। एक चीज़ यहाँ की अच्छी लगी मेरे को कि आपकी पर्ची है 537 हमारा नंबर है और हमें जाना है ऊपर अभी माता रानी का दर्शन लेने, तो हम जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका नंबर चला जाए तो आप वापस दर्शन करने आएंगे कि आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप पर्ची संभाल के रखो, देन आपको वापस दर्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम अब जा रहे हैं ऊपर की ओर, सामने है शिव मंदिर, रास्ते में हमारे पढ़ते हैं जय शिव ऊपर की ओर। और ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है हमें। थोड़े दूर के बाद पहुँचने गए, अब यहाँ पर हम माल पुआ खा रहे हैं और थोड़ा बिस्किट ताकि थोड़ी एनर्जी आए। तो क्या जो खाने ले लो, तो माल पुआ और थोड़ा बिस्किट खाने के बाद एनर्जी होने के बाद फिर ऊपर 5-10 किलोमीटर की और चढ़ाई है। सो गाइस, जितना ऊपर जा रहे हैं हम उतने माइनस में होते जा रहा है डिग्री यहाँ का, तो काफ़ी ठंडी है, ठंड बढ़ते जा रही है यहाँ पे,
सीरियसली। सो गाइस कुछ दूर पे आने के बाद आपको ये दिखेगा बोर्ड, भक्तों यहाँ से निवेदन है कि यहाँ आपको निःशुल्क हलवा का प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ पे आपको प्रसाद की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, बट रात का टाइम है तो आपको ये सुविधा नहीं मिल रही है फिलहाल। सो गाइस मुझे पता चला ये अभी भी खुला है, बंद नहीं है, बट सुबह 7:30 से 2:30 बजे तक, दोपहर के 3:30 से 10:30 बजे तक, रात 11:30 से 6:30 बजे तक प्रसाद का समय होता है। तो आप आए हो और प्रसाद का आनंद लो। और प्रवेश करते हैं यहाँ से, और अभी मैंने एंटर कर लिया और माँ माता जी की तस्वीर लगी हुई है। कृपया प्रसाद जूठा ना छोड़े, साथ साथ लिखा है ओनली फॉर स्टाफ। यहाँ पे हमें थोड़ा ही देना भैया, ज़्यादा नहीं, धन्यवाद। सो यहाँ पे प्रसाद मिल गया तो बैठते हैं, अब यहाँ बैठेंगे। और ये तो पहले से ठूस चुके हैं, ये भी ठूस ही रहा है बंदा, सेकंड टाइम ठूस रहा है बंदा। ए बोलने का नहीं है प्रसाद को, 10 बार खा रहे चलेगा, खाओ। सो प्रसाद मेरे को क्या लगता है सबको एक साथ फोटो लेना चाहिए प्रसाद को, सब कल सो डिस्ट्रिक्ट सुपर यार, हलवा काफी अच्छा है। सो यहाँ का हलवे का टेस्ट ही कुछ अलग है कि माता रानी का प्रसाद है तो ऑब्वियसली टेस्टी तो होगा ही, इसलिए मैं ना एक और प्लेट खाऊंगा। ये एक और प्लेट लेने वाला, ये 2 प्लेट खा चुका है ऑलरेडी, तो इतना भी खाओ कोई फर्क नहीं, तुम ले सकते हो और काफ़ी टेस्टी है। सो यहाँ से 3 किलोमीटर और दूर जाना है हमें, चल के पीछे शाइन बोर्ड है 3 किलोमीटर। वो काफ़ी ठंडी लग रही है मुझे, बहुत ठंड है यार कसम से, ऊपर बर्फ भी पड़ रही है, चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे भी देख रहे हो बर्फ गिरी पड़ी है, बर्फ है बर्फ है, और अब इसको देखने के बाद आप सोच ही सकते हो कितनी ठंडी होगी यहाँ पे, पूरा बर्फ है यहाँ पे। 2 किलोमीटर भवन बस, और हम पहुँच जाएंगे भवन के पास। तो गाइस ये है भवन और जन्नत की दर्शन होते हुए हमें भवन। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। सो गाइस तो ये बर्फ से ढक गया है पूरा, शाम तो माता का गाना फिर से गाते हुए हम चल रहे और आगे बढ़ते, और काफ़ी ठंडी है, देख के बर्फ़ देख के आपको पता ही चल गया होगा कि कितनी यहाँ पर ठंड होगी, और माता रानी का गाना गाने से हमारी ठंड दूर जा रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्रसाद है आपको इससे सब मिलेगा, कुछ 100 रुपये और 50 रुपये का रेट है। और यहाँ से आगे जाएंगे जहाँ भवन है, तो भवन के अंदर हमको जाने नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं लेके जा सकूँ अपना वीडियो मैं कवर करूँगा, ठीक है, तब तक प्रसाद लेते हैं। सो गाइस प्रसाद की थैली ऐसे दिखेगी आपको, और हमने विदाउट नारियल लिया, तो जिसमें हमें रक्षा के साथ एक रक्षा रहता है जिसके साथ हमें 70 रुपये की थैली मिली है, और इसके अंदर प्रसाद है माता जी का। और यहाँ से अंदर जाएंगे और आगे देखते हैं, यहाँ से प्रसाद लिया अभी यहाँ आगे की ओर भवन की ओर, ये हमारा प्रसाद की थैली, बढ़ते आगे। मोबाइल स्मार्टफोन
लेदर चीज़ आपको नॉट अलाउड है यहाँ से। सो यहाँ से गाइज हम जाएंगे अपना फ़ोन जमा करने देन। सो गाइज मोबाइल जमा करने से पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है। सेकंड थिंग, शूज़ वीज तो अलाउड रहते ही नहीं है पहली बात, और लेदर जैकेट्स लेदर्स की चीज़ें भी अलाउड नहीं है। तो लेदर्स की चीज़ें ना लाएँ तो अच्छा है। तो मिलते बाय, अब लास्ट में मिलूँगा तुम्हें मैं यहाँ से दर्शन करने के बाद भैरवनाथ। हाँ, सो यहाँ से आपको एक ताला मिल गया और यहाँ पे काफ़ी सारे लॉकर्स हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में मिलते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हो अपने लॉकर्स। ये लॉकर एक मिल गया हमें और खोलते हैं और सारा स्मार्टफोन सब जो भी चीज़ें यहाँ पे जमा करेंगे भी। सो गाइस यहाँ पे हमारे माता जी के दर्शन हो गए और काफ़ी सुंदर व्यू लगा और काफ़ी शांति मिली दर्शन लेके। और अब जा रहे हैं एक फ़ोटो शूट करेंगे थोड़ा सा एंड आपको भी दिखाएंगे वो व्यू क्या है, एंड देन उसके बाद चलेंगे हम भैरव बाबा के यहाँ जहाँ पे हम उनका दर्शन लेंगे, देन जाएंगे अर्धकुमारी, फिर वहाँ से डायरेक्ट घर यानी होटल। तो अभी चलेंगे फ़ोटो शूट करने। ये है व्यू, वो हमारा फोटोशूट पॉइंट, वहीं चलेंगे। स्वर्ग, सो गाइस यहाँ का व्यू मॉर्निंग व्यू गाइस, यहाँ पे भैरव घाट 2 किलोमीटर दूर है। तो गाइस यहाँ से हम आए और यहाँ से फिर अंदर इंटर भैरव बाबा के दरबार पे जा रहे। सो अब डायरेक्ट मिलेंगे ऊपर और वहाँ पे आपको वहाँ के व्यूज नज़ारे दिखाएंगे हम। भैरव बाबा के यहाँ पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ी से रास्ता और एक ऐसा प्लेन रोड मिलेगा तुम्हें। तो गाइस भैरव नाथ के लिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, सीढ़ी से जा सकते हो और ये एलिवेटर सामने जो जा रहा है देखते हुए यहाँ से भी जा सकते हो, या तो आप एक घोड़े का भी इंतज़ाम कर लो, ये भी आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे। सो गाइस चलना इज बेटर ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि चल के जो व्यू हमें देखने के लिए मिलता है वो तुम्हें उसमें नहीं देखने मिलेगा और काफ़ी तो मिलता है ऊपर, देखेंगे ऊपर का व्यू कैसा है, भैरवनाथ का व्यू कैसा है। और एक और चीज़ दिखाऊं, ये बर्फ, बर्फ की चादरें जो देखने मिल रहे हैं हमें, ये सब व्यू आपको चले हुए तो ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बोल साचे दरबार की जय। ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है और सामने का वो व्यू जय 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 जय। सो ये है व्यू और साथ ही साथ ये भी व्यू देखा, फायदा चल के आने का। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया, मैंने थोड़ा जैकेट भी निकाला है, ठंडी लग रही है। और अब यहाँ से अब जाएंगे भैरव बाबा और काफ़ी ठंडी लग रही है यार, मैं जैकेट पहनने जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते ऊपर। गाइस फाइनली भैरवनाथ और यहाँ का व्यू देखो गाइस, यहाँ का व्यू और काफी ऑप्शन है। व्यू है यार,
सामने मंदिर है और ये है व्यू। सो ये है भैरवनाथ। टॉप पे आने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है, पूरा स्वर्ग। यहाँ से हम इंटर किए थे और काफी यहाँ पे भी बर्फ जमी है और वादियों का मजा ही कुछ अलग है। दर्शन लेंगे, दर्शन लेने के बाद अब जाएंगे अर्धकुमारी और वहां से दर्शन लेने के बाद होटल जाएंगे। और व्यू यार गाइस, अब फाइनली अर्धकुमारी यहाँ पे आ गए, जाते हैं माता का दर्शन लेते हैं। यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है जाने के। यहाँ पे दर्शन लेके अब से आप बात मिलता हूँ। अरे सो कोई जा रहा था। यहाँ पे दर्शन हो गए हमारे अर्धकुमारी माता के और यहाँ से अब जा रहे हैं हम होटल। सो बाय, टेक केयर और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।